हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करूंगा एयरटेल का एक्सट्रीम बॉक्स, जो कि एक एंड्रॉयड बॉक्स है एयरटेल की तरफ से, जिसमें कि इन्होंने बिल्ट इन डीटीएच दिया हुआ है अपना। एंड ये 4K बॉक्स है, गूगल असिस्टेंट सपोर्ट है एंड एंड्रॉयड ओएस है इसमें। एंड ये सारे स्ट्रीमिंग सर्विसेज सपोर्ट करता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, Z5, प्राइम वीडियो एक्सेट्रा। एंड ये बॉक्स है, साइड में डिटेल्स लिखी हुई है इसकी एंड बैक साइड में भी कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे कि ये क्रोमकास्ट सपोर्ट करता है एंड 4K, अगर आपके पास टीवी है तो आप 4K वीडियोस भी देख सकते हैं इसमें। यहाँ पे एयरटेल की ब्रांडिंग दी हुई है इन्होंने एंड दूसरी साइड भी एयरटेल की ब्रांडिंग है। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं अंदर। ओके, सो बॉक्स को हमने ओपन कर दिया है एंड यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें जो दिखती है वो है इसका पावर अडैप्टर। सो, ये पावर अडैप्टर काफ़ी बड़ा है इनके पुराने डीटीएच वाले सेट ऑफ बॉक्स से। एंड यहाँ पे लिखा है इसकी आउटपुट है 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर एंड ऐसा कुछ कनेक्टर है इसका। सो, उसके बाद यहाँ पे इसका रिमोट है ये, सो, इसका रिमोट चेक कर लेते हैं। सो, इनका रिमोट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सारे बटन्स हैं एंड क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम की ब्रांडिंग है एंड सारे डेडिकेटेड बटन्स दिए हुए हैं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम के लिए। एंड यहाँ पे पावर के बटन्स हैं एंड यहाँ पे आप अपने सेल्स डाल सकते हो बैटरी के, जो कि इसके साथ इंक्लूडेड आए हैं। मैं दिखा देता हूँ, तो ये 2 AAA बैटरीज हैं जो इसके साथ इंक्लूडेड हैं। तो इन बैटरीज़ को मैं बाद में इंसर्ट करूँगा जब मैं आपको इस एक्सट्रीम बॉक्स का इंटरफेस दिखाऊँगा, तो अभी इनको साइड में रख देता हूँ। एंड इसके बाद है यहाँ पे ये एक्सट्रीम बॉक्स, आई थिंक बॉक्स में और कुछ भी है, तो एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, सो बॉक्स में एक HDMI भी इन्होंने इंक्लूड की हुई है, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, थिक केबल है, आई थिंक बेसिकली इसके साथ आई है तो 4K और HDR सपोर्ट करती होगी। तो इसको भी अभी साइड में रख देते हैं एंड बॉक्स को हटा लेते हैं, क्योंकि बॉक्स में और कुछ नहीं है। सो, अब वापस आते हैं इस एक्सट्रीम बॉक्स पे एंड इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है जो हमारे काम की नहीं है। सो, ये है एक्सट्रीम बॉक्स, ऊपर एयरटेल की ब्रांडिंग है, यहाँ पे एक्सट्रीम लिखा हुआ है, बीच में एक बटन है ऑन ऑफ के लिए एंड यहाँ लेफ्ट साइड में एक USB पोर्ट दिया हुआ है और SD कार्ड रीडर दिया हुआ है बेसिकली, जो कि आई थिंक रिकॉर्ड फंक्शन जो है इसका उसके लिए है। एंड बैक साइड में काफ़ी पोर्ट्स है, यहाँ पे सैटेलाइट केबल के लिए, ये कॉम्पोजिट केबल के लिए है, यहाँ पे SPDI है, फिर ये है HDMI के लिए एंड यहाँ पे एक USB पोर्ट है, एक ईथरनेट जैक एंड एक पावर अडाप्टर के लिए पोर्ट है। ओके, गाइस, सो ये मैंने थोड़ा आपको अभी ओवरव्यू दिया है इस एक्सट्रीम बॉक्स का, तो अब मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ एंड आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। ओके, गाइस, सो मैंने ये एक्सट्रीम बॉक्स पूरी तरह से सेटअप कर दिया है एंड अपने MI TV के साथ कनेक्ट कर दिया है। बट कनेक्ट करने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये मेरे TV के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल नहीं है, कुछ HDR की वजह से इशू आ रहा है। सो, मैं अपने दूसरे LG के TV में इसको कनेक्ट करूँगा जिसमें कि HDR है। सो, गाइज़, ये जो TV है LG का, ये HDR सपोर्ट करता है एंड आई थिंक इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो, मैं इसको अभी ऑन कर देता हूँ एक्सट्रीम बॉक्स को एंड देखते हैं आगे। ओके, गाइस, सो ये एक्सट्रीम बॉक्स पूरी तरह से बूट हो गया है एंड इसको अराउंड 30-35 सेकंड्स लगे बूट होने में। सो, ऐसा कुछ यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको इस एक्सट्रीम बॉक्स का। तो जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हो, कई सारे टैब्स हैं, जैसे कि होम, TV चैनल्स, मूवीज़ एक्सेट्रा। तो अभी हम होम पे देखते हैं क्या क्या है। तो होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे माई चैनल्स लिखा हुआ है, जहाँ पे कि जो जो चैनल्स आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं अपने ऑपरेटर से, यानी कि एयरटेल DTH से, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो, मैं आपको एक चैनल प्ले करके दिखाता हूँ,
ये स्टार मूवीज HD। आई थिंक ये मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं एरर आ गया। तो ये HBO HD एक तो काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी दिख रही है इसमें, क्योंकि ये चैनल HD है इसलिए। तो उसके अलावा यहाँ पे नीचे ऐप्स का एक टैब है, जिसमें कि आपको जो बिल्ट इन ऐप्स आते हैं इसमें वो दिखेंगी, जो कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, Z5 एक्सेट्रा, एंड उसके अलावा कुछ मूवीज़ हैं। सो ये था होम टैब के बारे में। इसके बाद TV चैनल्स का टैब है, तो यहाँ पे भी बेसिकली जैसा कि नाम है TV चैनल्स, सारी चैनल्स आप यहाँ पे ब्राउज़ कर सकते हो। किसी रीजनल लैंग्वेज के बारे में आपको देखना है या नाउ प्लेइंग जो अभी चल रहा है लाइव, उसके बारे में देखना है तो ये था TV चैनल्स के टैब में सारा। एंड उसके अलावा दूसरा टैब है मूवीज़ का, तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर का कंटेंट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि रोस नाउ या फिर अल्ट्रा। सो अगर आपके पास उनका सब्सक्रिप्शन है तो आप वो देख सकते हो। तो इसके बाद आते हैं TV शोज़ पे, तो यहाँ पे भी आप अपने कोई भी फेवरेट वेब सीरीज़ या TV शोज़ देख सकते हो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से एक ही जगह पे। एंड उसके बाद है ऐप्स एंड गेम्स, तो यहाँ पे आपके सारे ऐप्स जो भी आप डाउनलोड करते हो यहाँ पे मिलेंगे आपको, जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, Z5, या फिर आप कोई भी अलग ऐप्स डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, जो कि यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी यहाँ पे आपके विजिबल होंगे। तो उसके अलावा यहाँ ऊपर एक वाईफाई का सिंबल है, उसमें आप अपने वाईफाई कनेक्टिविटी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बेल है जहाँ पे सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग्स हैं, जिसमें कि आपकी एक्सट्रीम बॉक्स की सेटिंग्स हैं एंड एंड्रॉयड सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, एंड उसके नीचे यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स हैं, जिसमें कि वाईफाई, अपना ब्लूटूथ, ये सब कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। सो उसके अलावा यहाँ पे एंड्रॉयड सेटिंग्स हैं, अगर आपको अपने डिवाइस की कोई प्रेफरेंसेस चेंज करनी हो, साउंड सेटिंग्स या ब्लूटूथ या किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके अलावा जो है वो डिवाइस सेटिंग्स हैं, तो यहाँ पे कुछ पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग्स हैं, एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने के लिए, ऑडियो एंड सबटाइटल्स एंड मैनेज पिन। सो उसके बाद है एडवांस सेटिंग्स, जिसमें कि हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक एलेक्सा, तो अगर आपके पास कोई एलेक्सा डिवाइस है वो भी आप इससे लिंक कर सकते हो। सो आई थिंक मैंने सारी सेटिंग्स कवर कर ली हैं। सो गाइज़, अब बात करते हैं कि किसको ये सेट टॉप बॉक्स या एक्सट्रीम बॉक्स लेना चाहिए एंड किसको नहीं। सो अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्मार्ट TV है तो इट्स नॉट वर्थ इट कि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करो, बिकॉज जितने भी फीचर्स इसमें हैं एक्स्ट्रा वो ऑलरेडी आपके स्मार्ट TV में है। आप कोई भी नॉर्मल HD सेट टॉप बॉक्स ले सकते हो TV चैनल्स देखने के लिए। एंड जिनके पास पुराने TVs हैं, नॉन स्मार्ट TV, जो कि नए TV पर स्विच करने की सोच रहे हैं, तो वो ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं नया TV लेने से पहले। काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपका नॉर्मल TV स्मार्ट बन जाएगा इससे। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको इस एक्सट्रीम बॉक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।